स्वागत है आपका रश्मि क्रिएशन में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शाही टोफू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पूरी तरह से वीगन है, जिन्हें मिल्क प्रोडक्ट खाना मना है वो इसे बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। ये मेरे फ्रीज में स्टोर की हुई टोफू है। टोफू बनाने की रेसिपी जो है मेरे चैनल में अपलोड है, आप देख सकते हैं बैक जा कर के। ओके, ये सोयाबीन से टोफू तैयार की जाती है और रियली घर में जो टोफू बनती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। आपको मार्केट की टोफू थोड़ी सी चुई मिलेगी आपको, मगर घर में आप बना के देखें, एकदम जो पनीर की सब्जी खाते हैं ना भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी बनती है। ओके, ये स्टोर की हुई है, मैं इस तरह से बना के स्टोर कर देती हूँ और हर दिन पानी उसकी बदलते रहती हूँ ताकि वो फ्रेश बना रहे। जितनी टोफू इस्तेमाल करनी थी मैं निकाल ली हूँ और बाकी में पानी डाल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी और डेली पानी चेंज करूँगी। इसे अपने मनपसंद आकार में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और टोफू बहुत ही फायदेमंद होती है। बच्चों को आप बना के दीजिए, इस तरह से टोफू बनाइए। आप इसकी भुर्जी पर, आप इसे स्टफ करके पराठा कुछ भी बना के दे सकते हैं। मैं हमेशा घर में ही बना के टोफू रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ टोफू आसानी से नहीं मिलती है। प्रोटीन से भरपूर टोफू रियली बहुत ही फायदेमंद है। आप इसके फायदे जान जाएंगे तो आप इसे अपने मील में रोज शामिल करेंगे। अब इसे मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। एक बर्तन में इसे डालेंगे। ये वीगन है, यदि आप वीगन नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें दही का उपयोग कर सकते हैं, मगर मैं टोटली ये सब्जी वीगन बना रही हूँ इसलिए इसमें दही का उपयोग नहीं करूँगी। यहाँ मैं स्वादानुसार नमक डालिएगा, नमक हमें सब्जी में दोबारा भी यूज़ करनी है इसीलिए नमक थोड़ी हिसाब से ही डालिएगा। यहाँ लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ा मसाला, आपका बेसिक मसाला जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं मिक्स मसाला वो डाली हूँ, और नींबू का रस। इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि टोफू के अंदर अच्छी तरह से स्वाद जो है वो अंदर चले जाए। आप यहाँ नींबू की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए ढक के। आगे कढ़ाई में आप जो भी किचन में ऑयल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा डालिए और जो टोफू है मैरिनेट की हुई उसे डाल के हल्का सा सौते कर लीजिए। आप देख सकते हैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। यहाँ मसाला तैयार करते हैं। यहाँ 3 प्याज, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी काजू और 3 बड़े बड़े लाल लाल टमाटर, इन्हें कट कर ली हूँ और इन सबको मैं रोस्ट करूँगी। हल्का सा तेल डाली हूँ, मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल की हूँ। आपके किचन में जो भी ऑयल का इस्तेमाल होता है आप कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से भून करके थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू है। इसकी प्यूरी रेडी कर रही हूँ। फिर कढ़ाई में, मैं ऑलिव ऑयल में ही बना रही हूँ, 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, जीरा डाल के तड़का देंगे और जो पेस्ट रेडी किए थे उसे कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। एक बार तो ये भून चुकी है, पीछे से हल्दी डालेंगे, स्वादानुसार मिर्ची पाउडर, यहाँ पे मिक्स मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। आप धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर डाल सकती हैं और नमक डालूंगी। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा, हम टोफू में भी पहले नमक डाल चुके हैं इसीलिए नमक हिसाब से ही डालिएगा और मसाले को बहुत अच्छी तरह भुनेंगे। ऐड की हूँ गरम मसाला,
तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, इसीलिए गैस को बिल्कुल मध्यम आंच पे ही रखेंगे। यहाँ मैं 1 से 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल रही हूँ और इसे धीमे धीमे आंच में ही भुनेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे। मसाला देखिए भुनने के बाद थोड़ा कम हो गया है ना, और गाढ़ा भी हो गया है। अच्छी तरह मसाला भुनने के बाद हम जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ही पानी डालेंगे। हमें ये गाढ़ी गाढ़ी ही बनानी है, ज़्यादा इसमें ग्रेवी को नहीं रखना है, इसलिए पानी बहुत ही कम डाले हैं। और साथ में जो टोफू जो मैरिनेट करने के बाद हल्का सा भून के रखे थे उसे ऐड कर देंगे और एक अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। धनिया से गार्निश करेंगे और ये हमारी टेस्टी सी टोफू की सब्जी रेडी है। आप ये सब्जी खाएंगे, पनीर की सब्जी खाना भूल जाएंगे। ये वीगन टोफू की सब्जी, शाही टोफू की सब्जी रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए। टोफू को आप अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिए, ये टेस्टी भी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी लेकर के। धन्यवाद।